हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज है छोटी दिवाली, 23rd ऑफ अक्टूबर। हैप्पी छोटी दिवाली टू यू ऑल। और आज मैं कर रही हूँ अगेन एक व्लॉग, और मैंने धनतेरस का व्लॉग ऑलरेडी लाइव भी कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हो। और इस बार मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से व्लॉग एडिट करके लाइव करूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है तो मज़ा भी नहीं आता है। तो अभी मैं बस रेडी हो गई थी और फाइनली सब कुछ हो गया है, दिवाली की प्रिपरेशन हो गई है, घर के बाहर लाइट्स लग गई हैं, और अभी थोड़ा बहुत घर डेकोरेशन बाकी है और जो कि मैं करूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही थी अपनी दीदी के घर, क्योंकि वहाँ पे मम्मी है मेरी, तो वहाँ पे उनका उनके साथ भी थोड़ा बहुत अपना हो जाएगा, क्योंकि कल मतलब होता है मेन जो बड़ी दिवाली होती है उसमें निकलना पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारी काम होते हैं और बहुत दूर भी है यहाँ से उनका घर, तो इस वजह से, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक भी होता है, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा आज होके आ जाते हैं और जो कुछ भी होता है वो सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज ऑफकोर्स छोटी दिवाली है इस वजह से भी, तो चलो चलते हैं। हम लोग रेडी हैं, मैंने ऐसे ही सिंपल सी एक ड्रेस पहन ली है और अभी मैं रेडी होने जा रही थी। मैंने सोचा पहले से जल्दी से व्लॉग स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर दिखाने को होता है क्या क्या किया। तो चलो फटाफट से चलते हैं, और उनके लिए कुछ सामान भी लिया है तो वो भी उनको पहुँचाना है, और बस यही सब छोटे मोटे काम है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और पहुँचते हैं वहाँ पर। तो गाइज़ हम लोग निकल लिए हैं, आधे रास्ते भी पहुंच गए हैं और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, तो चलो फटाफट से पहुंचते हैं। ये रही मैडम, ये रहा ग्रीनरी रास्ता। हम लोग ऑलमोस्ट गोमती नगर पहुंच चुके हैं। क्या करें, याद ही नहीं आया, अभी आया फ़ोन लेके आया। सो गाइज़ हम लोग ने मतलब हम लोग दीदी के यहाँ हो ली हैं, मम्मी से मिल ली हैं, जो कुछ सामान वामान उनको देना था वो सब हो गया है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर वापस, और क्या, और बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे माहौल सब, दिवाली का, दिवाली की रौनक जो है बहुत बढ़िया दिख रही है रास्ते में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हम मैं ज़्यादा वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि ज़्यादा हम लोग बातें बातें करते रहे, इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। और क्या, हाँ बात ही करने में समय चला गया। तो बस अब मैं घर जा रहूँगी और वहाँ पे जो कुछ काम है वो करूँगी, और मैं आपको रास्ते का दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सुंदर दिख रहा है दिवाली के माहौल में घर से निकलना, और सबके घरों की रौनक और डेकोरेशन देखने का एक अपना अलग मज़ा है। और बचपन से ये काम मुझे बहुत पसंद है कि दिवाली के टाइम घर से निकलो और देखो किसका घर कैसा सजा है, मतलब ये चीज़ बहुत सही लगती है। देखते चल दो, चलते रहो कि हाँ ये इसका घर अच्छा लग रहा है, उसका घर अच्छा लग रहा है, ये बढ़िया लाइटिंग है, वो बढ़िया लाइटिंग है, ये सब। तो अभी भी मैं वही कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी कर लूँ और दिखाऊँ भी। और इनकी चल रही है मस्ती, तो चलो चलते हैं घर। गंदा तो शीशा दार सब साफ है। आपकी सारी रौनक लग रहा है अयोध्या ही चली गई, कम रौनक है थोड़ी, बहुत कम, महंगाई भी तो है, देख लो चीजें महंगी कितनी मिली है मार्केट में। और देश विदेश के 1800 से अधिक लोक कलाकार दीपोत्सव की भव्यता बढ़ा रहे हैं। छठे दीपोत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है, गुलामी के अंश से मुक्ति है, विरासत का सम्मान है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का ये कार्यक्रम विरासत का
तो गाइस ये सुबह का समय है और हम लोग आए थे फूल मंडी। बेसिकली मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्होंने छोटी सी क्लिप की है और फूल मंडी का ये नज़ारा था। काफ़ी भीड़ थी उस दिन, और जबकि ये सुबह के 6:30 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो बस थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ये क्लिप ली कि मुझे दिखाने के लिए कि देखो इतनी भीड़ थी, क्योंकि मैंने कहा था थोड़ा सा व्लॉग करने के लिए, बट उन्होंने किया नहीं, एक छोटी सी क्लिप ली। और फिर उन्होंने बहुत सारे फूल लिए और वापस आ गए थे। काफ़ी महंगे भी थे इस बार फूल, गुलाब वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव था और भी सारे फूल जो थे काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो बस ये नज़ारा था वहाँ का सुबह सुबह का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है हैप्पी दिवाली। आज है दिवाली का डे और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग का समय। और जैसे कि मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में शेयर किया है कि हम लोग जाते हैं फूल लेने और पीते हैं शर्मा की चाय। तो यहाँ पे मुझे जाना होगा, तो अब कि मैं नहीं गई फूल लेने, बट ये लोग गए थे फूल लेने, तो ये लोग ले आए हैं शर्मा की चाय। तो हम लोग घर पर ही आज अपना वो रिचुअल फॉलो करने वाले हैं शर्मा की चाय पीने का दिवाली वाले दिन। तो चलो जल्दी से चलते हैं, शर्मा की चाय आ गई, बन मक्खन आ गए हैं और समोसे आ गए हैं, तो उसको खाते हैं। और अभी करीब 8 बज रहा है और फटाफट से हम लोग खाते हैं और फिर शुरू करते हैं दिवाली का दिन। और मैं इसलिए नहीं गई, मेरी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से। और बस दिवाली वाले दिन तबीयत ख़राब होना इस बेकार, क्या करें, बट हो गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे। और हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। भगवान आप सभी को खूब ढेर सारी खुशियाँ दें, खूब तरक्की दें, खूब अच्छी हेल्थ दें, प्रॉस्पेरिटी दें, यही सब दुआएं हैं। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं दिवाली का दिन। आने गुलाब मत किया करो। सो गाइस, मैंने लगा दी अपने रूम में लाइट और अभी थोड़ा बहुत सब ठीक वीक करके बस मैं बैठी हूँ और सोच रही हूँ कि जल्दी से नहा लूँ, उसके बाद रंगोली बनाना स्टार्ट करूँ और सारे काम जल्दी जल्दी निपटाऊँ, सारी डेकोरेशन जल्दी जल्दी निपटाऊँ, जिससे दिवाली के लिए टाइम अच्छे से निकल जाए। तो चलो फिर फटाक से नहा लेते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। सो गाइज, मैंने नहाया नहीं हूँ, मैंने सोचा नहाने से पहले यहाँ की भी लाइटिंग कर लें। तो मैंने ड्राइंग रूम की भी लाइटिंग पूरी कर ली है, जैसा कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, जैसा भी मुझे समझ में आया। और अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने अमेज़ॉन से कुछ पॉट वगैरह मंगाए थे, तो मैं सोच रही हूँ इस बार उसमें भी कुछ लाइटिंग करूँ। तो ये रहे वो, देख सकते हो आप, एक ये है और मेटल का है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी है। एक ही मैंने दो मंगाए हैं इस बार। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 2, मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट कर दिया है, काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन अब फटाफट से जल्दी जल्दी बनाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने इस कॉर्नर से शुरू की है, तो बस जल्दी से दिखाती हूँ फिर मैं। थोड़ी बहुत रंगोली बनाने के बाद हम लोग ने लंच किया। लंच में था दाल रोटी और भरते की सब्ज़ी, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था।
तो बस हम लोग ने लंच किया, उसके बाद फिर वापस हम लोग अंगोली के लिए जुट गए। सो गाइस हम लोग की बन गई है रंगोली और दिखाते हैं आपको। दिखा दें यार लोगों को।